इस तरह से हम सीड बीड ब्रेसलेट बनाएंगे। तीन मोती ये इस कलर की और येलो कलर की फ्लावर का हम सिंपल सीड बीड ब्रेसलेट बनाएंगे। ये हमने एक ही कलर की फूल का ब्रेसलेट बनाया है। इसी तरीके से दो अलग अलग फूल के कलर को यूज करके हमने एक और ब्रेसलेट बना के तैयार रखा हुआ है और इसी तरीके से हमने ये एक एंकलेट डिजाइन किया है। इस तरह से हमने एक एंकलेट का प्लेयर भी डिजाइन किया है। इसमें अलग अलग कलर के फ्लावर लिए हैं, ग्रीन और रेड मोती लिए हैं। आप जो चाहे इस तरह से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, dhanlaxmi.handicraft चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मोती की ज्वेलरी बनाना सीखेंगे। मोती की ज्वेलरी में हम आज ब्रेसलेट बनाएंगे। यह ब्रेसलेट दिखने में बहुत ही सुंदर तथा बनाने में बहुत ही सरल है। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो चलिए आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। ये है हुक, सुई, फिश वायर और मोती। मोती का कलर आप अपनी पसंद से कौन सा भी चुन सकते हैं। चाहे तो आप अपनी ड्रेस की मैचिंग का कलर का मोती चुनकर ड्रेस की मैचिंग की ज्वेलरी भी बना सकते हैं। सिंपल डेजी चेन ब्रेसलेट बनाने की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हुक को फिश वायर के साथ में सिंपल नोट के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हम तीन नोट्स एक साथ लगाएंगे ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए, और सुई में धागा पिरो लेंगे। ब्रेसलेट की शुरुआत में सबसे पहले हम तीन नीले मोती पिरोएंगे। हम पीले कलर का फूल बनाएंगे। इसके लिए हमने चार पीले कलर के मोती पिरोए हैं और एक फूल के लिए काला मोती पिरोया है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे मोती पिरो लिए हैं। अब फूल बनाने के लिए जो पहले नंबर का पीला मोती है उसमें से हम सुई को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब तीन पीले मोती और पिरोएंगे। ये देखिए, इस तरह से। और जो काले वाले मोती के पास में जो लास्ट पीला वाला मोती था चौथे नंबर का, उसमें से हम सुई पास करेंगे। जैसे ही हम सुई को इस मोती में से बाहर निकालेंगे फूल का आकार बन जाएगा। ये देखिए, एक फूल बनकर के तैयार है। अब दूसरा फूल बनाने के लिए उससे पहले हम वापस तीन नीले मोती पिरोएंगे। ये देखिए, इस तरह से। अगला फूल भी हम पीला कलर का ही बनाएंगे। इसके लिए दोबारा हम चार पीले मोती पिरोएंगे और फूल के बीच के लिए काला मोती पिरोएंगे। ये देखिए, इस तरह से। फूल बनाने के लिए जो चौथे नंबर का और जो पहला नंबर का जो हमने मोती पिरोया था नीले मोती के पास में, उसमें से सुई को बाहर निकालेंगे।
कि देखिए इस तरह से तार फिश वायर को हम अच्छे से खींच लेंगे। अब तीन मोती और पीले कलर के पिरोएंगे और फूल को पूरा करेंगे। जो हमने काले वाले मोती के पास में जो लास्ट पीला वाला मोती पिरोया था चौथे नंबर का, उसमें से सुई बाहर निकाल के और फूल को पूरा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से दूसरा फ्लावर भी बन करके और तैयार है। आगे बढ़ने के लिए हम दोबारा तीन नीले मोती और पिरोएंगे और इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। आप चाहे तो अलग अलग कलर के मोती भी यूज करके और अलग अलग फूल भी बना सकते हैं, और अगर चाहे तो एक ही कलर के फूल बनाकर ब्रेसलेट तैयार कर सकते हैं। यह काफी सरल काफी आसान तरीका है। इसी ब्रेसलेट को आप आगे बढ़ाकर एंकलेट भी बना सकते हैं, सीड बीड नेकलेस भी बना सकते हैं और आप रिंग्स भी बना सकते हैं। ये देखिए उसी मेथड को लगातार दोहराकर मैंने पूरा ब्रेसलेट बनाकर तैयार कर लिया है। अंत में मैंने इसमें 15 मोती पिरोए हैं नीले कलर के, और ये जो लास्ट का जो फूल तैयार किया था यहाँ पर सिंपल सी नोट बना करके उसे क्लोज कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा धागा था उसे मैंने इन फूलों के बीच में निकालकर हाइड करके और फिनिशिंग दे दी है। इधर भी मैंने जो एक्स्ट्रा धागा था उसे फ्लावर के बीच में से निकाल के और कट कर दिया है और इसे पूरी फिनिशिंग देकर तैयार कर लिया है। देखिए एक सुंदर सा ब्रेसलेट बनकर के और तैयार है। यह सबसे सरल और काफी आसान विधि है, और जैसे कि मैंने पहले बताया है इससे आप कई तरह की ज्वेलरी बनाकर और तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, और आने वाली हमारी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।